माहियान आया मेरा, माहियान आया, माहियान आया मेरा, माहियान आया, रांझणा आया मेरा, माहियान आया, माहियान आया मेरा, रांझणा आया, अखां दा नूर देख के अखियां चो हंजूर उड़दे। देखो मैं आपको एक बात समझाऊं कि आदमी को स्पंज की तरह होना चाहिए। किसी भी उम्र में सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आओ 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 क्या कहता सिखा वो वन लाइन का। माहियान आया मेरा, माहियान आया मेरा, माहियान आया, माहियान आया, रांझणा आया मेरा, रांझणा आना। मेरी गाली टाइप को साउंड कर रहा है, रांझणा आना, रांझणा आया, रांझणा आया, माहियान, माहिया। अच्छा ये अच्छा बंद इसलिए वो बंद इसलिए रांझणा आया मेरा, रांझणा आया मेरा, आया माहियान, माहियान ये पहले मैं ऐसे करता था, छोड़ के आदत हो गई। आया ऐसा जा यार भी हो गया। चले जितना एंटरटेनमेंट सलमान खान ने डोनेट किया है इंडिया को और कोई नहीं कर सकता है। मुझे फॉर अ सेकंड लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। अब जाओ यार, कितना मुंह खुलवाओगे। थैंक यू। बेस्ट फीमेल सिंगर का अब हम अवार्ड देंगे, करेक्ट? जी हाँ। तो उसके नॉमिनीज तो पहले देख लेते ना। जी आइए तो देख लेते नॉमिनीज। द रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर गोज टू मैं परेशान शालमली खोलगड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर। अदिति जी के लिए तालियां। द नेक्स्ट अवार्ड फॉर द रेडियो सॉन्ग ऑफ द ईयर ब्रॉट टू यू बाय रेड एफएम 93.5 इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मलिश्का, द मोस्ट अवार्डेड आरजे जो बहुत लोगों की टांग खींचती है, हु होस्ट द मॉर्निंग नंबर वन ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। प्लीज वेलकम मलिश्का एंड सोफी चौधरी। I'm really proud to present Red FM's Radio Song of the Year. इस हीरो की फोटो तो मैं जिंदगी भर अपने सीने से चिपका लूं। Ladies and gentlemen, the winner of the Reno Star Guild Award for the most popular film song on radio, brought to you by 93.5 Red FM, goes to the one and only Femi Gold. Malishka, thank you very much. Another one. And now for a very special award to a very special jodi. ये है द एच डी ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। हिंदुस्तान टाइम्स लॉड्स द एफर्ट्स ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन टुवर्ड्स देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सपोर्टिंग द कॉज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर थ्रू देयर एसोसिएशन विद द मैजिक बस। एंड टू प्रेजेंट द अवार्ड आईड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द एंटरटेनमेंट एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स अफसाना अहमद। Hello everybody, this is our privilege. On behalf of Hindustan Times, I congratulate Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan, and our best wishes remain with them to continue the good award.
I got very excited because it says Hindustan Times honor for outstanding contribution to society. I have to give the entire credit of this to Aishwarya, who introduced me to Magic Bus, which is a wonderful NGO that does great work with underprivileged children. I hope that awards like this by Afsana and Hindustan Times prompt a lot of us to try and make a little bit of difference to all the wonderful innocent lives that Magic Bus is working with. Thank you very much for allowing Aishwarya and I to be a part of your family. Thank you. आपको आवाज आ रही है पूरी भैया? माइक नहीं चल रहा आपका, ऐसे खेल नहीं आपको क्या? हेलो, आपको होता है, कोई बात नहीं, मुफ्त का शो एंजॉय करिए। हेलो हेलो, हाँ अब चला। हेलो, सुबह से खाना नहीं खाया था, बेचारा साउंड वाले काफी मेहनत कर रहे हैं। जरा मुस्कुराइए जनाब, हम लखनऊ में हैं। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या बात कर रही हैं? आप भी सेम ही, सेम टू यू। आप भी काफी प्यार में खा रही हैं। ये कौन सा स्टॉक आपने पहना है? गाउन जो है आप घर ले जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ गाउन के अंदर की लड़की हूँ। ये थोड़ा बढ़ा दो मेरा माइक ना। हेलो, थोड़ा बेस जैसे बच्चन साहब जैसी आवाज आए। जी हाँ जी हाँ। अरे आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं लखनऊ में पहले भी आ चुका हूँ दो तीन बार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लखनऊ आके इस बार कैसा लगता है? इस बार बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है, पर अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ऐसे ही बस गरीब आदमी का भला हो जाता है, लाइफ में बना रहना चाहिए। खूबसूरती आदमी को जिंदा रखती है, दुनिया चल रही बस आपके भरोसे। शादी होगी आपने? नहीं, बस मैं आप ही पक्का मुकरेंगी तो नहीं बाद में? चलिए ठीक है। लेकिन 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 मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व भर में इतने चाहने वाले हैं आपके, कभी एक प्रपोजल नहीं मिला आपको? नहीं, मिलते रहते, मैं एक्सेप्ट करता रहता, एंजॉय करता होता है। मैं तो बहुत करता हूँ यार, दीपिका मानती नहीं है। अरे ये है कि चलो लगे रहेंगे, ठीक है, देखना एक दिन तो ऊपर वाला मेहनत करेगा। आज साक्षात आपको ऊपर वाले ने एक चांस दिया, कुछ हमारा भी भला कर लो। यार ये कैसी ऑफर आ रही है? आप खुद जब फ्लर्ट करता हूँ किसी से तो मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं लगता, कोई सामने से ऐसा ऑफर आ जाए तो फिर मेरे को समझ नहीं आता कि करूँ क्या। देखिए मैंने टीवी में बहुत देखा है कि लड़कियां शिकायतें करती हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप फ्लर्ट करते हैं। पर नहीं, एक बात बताओ, आप खूबसूरत होती हैं, मेकअप करती हैं, तैयार होती हैं, किस लिए होती हैं? अगर हम कॉम्प्लीमेंट ना करें तो आपका 1200-1300 रुपए जो खर्चा किया आपने, ये चलता रहना चाहिए, अच्छा लगता है। तो आप लखनऊ की रहने वाली हैं? हाँ जी। कहाँ पे लखनऊ में? कहाँ पे? घर पे। बहुत स्मार्ट हो गए लखनऊ वाले। मैंने देखा लखनऊ की एक चीज, यूपी में जब भी आता हूँ लखनऊ के भटूरे कड़क हैं, लेकिन नेता यहाँ के मुलायम है। लखनऊ आकर अभी तक कुछ आपने खाया लखनऊ की स्पेशलिटी में? जी, मैंने बहुत कुछ खाया लखनऊ के। मैं टुंडे कबाब बड़े खाए, टुंडे कबाब इतने फेमस है, इतने पॉपुलर है टुंडे कबाब। मैं सोचता हूँ टुंडे कबाब इतने पॉपुलर है अगर पूरे कबाब होते तो इतने पॉपुलर होते। सीख कबाब भी मैंने देखे, मेरे दोस्त भी खा रहे थे, मेरे दोस्त है सुनील ग्रोवर, और सीख उसको पता नहीं था बेचारे को, उसने सीख के साथ ही खा लिया कबाब। तो अभी सीख निकालने में लगा हुआ है, आएगा थोड़ी देर में। तो और क्या चल रहा है लाइफ में? फिलहाल हम सबको आपके शो का इंतजार है, तो ये मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ क्या नया आ रहा है इस शो में? चैनल नया है, लोगो नया है। एक्चुअली ये शो 23rd ऑफ अप्रैल को अपने होगा, सैटरडे संडे आएगा और सोनी नेटवर्क पे आएगा। इसमें हम लोगों ने इस बार कोशिश किया है कि नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करें, जैसे पहले शो में मेरी फैमिली आप देखते थे, यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट फैमिलीज दिखाएं, और उन फैमिलीज में आपकी फैमिली भी हो सकती है मे बी, बिकॉज हम लोग जो सिटी टूर कर रहे हैं
हम लोग कोशिश है कि बिकॉज पहले शो में हमें बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि हमें आपके शो में आना है, परफॉर्म करना है या बातचीत करनी है, चाहे दो मिनट के लिए करें। तो मुझे लगता है कि यार हर किसी के मन में कहीं ना कहीं होता है, कई बार होता है ना, औरतें बोलती है मैं तो ये एक्टर बनना चाहती थी, घरवालों ने शादी करा दी। तो हम चाहते हैं कि जो दबी हुई उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो बाहर निकल के आए, और अगर कोई अच्छा टैलेंट हमें मिलता है तो मोस्ट वेलकम है, आप भी हमारे शो को ज्वाइन कर सकते हैं, मिलजुल के देश को हंसाते हैं। आज भी आप हमारी इस खूबसूरत लखनऊ की आवाम, इस जनता को एक मौका देने वाले हैं। जी जी, यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज को चैनल ने सिलेक्ट की हैं, जो पहले आप ही के, अच्छा आप हैं लकिया बता, अच्छा पंजाब वाले सबसे आगे आते हैं, पंगे लेने की आदत ही इनकी है। मैं भी पंगे लेते लेते करते करते शो बन गया, चलिए अच्छी बात है। सो हम लोग यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज हैं जो अपने शहर में परफॉर्म करेंगे, और अगर आप लोग, आप लोगों को लगता है कि हाँ ये जो है टैलेंट नेशनल टेलीविजन पे आना चाहिए, तो हम लोग जरूर लेके जाएंगे उनको, तो आप भी आएंगे हमारे शो में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज जब आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं लखनऊ की जनता का सबसे ज्यादा भला कराना चाहती हूँ। भला इन टर्म्स ऑफ? गलत साइन ना दीजिए उनको। जी, मैं आपसे एक बार लखनऊ शहर को सुनवाना चाहती हूँ कि आपको लखनऊ के बारे में सबसे ज्यादा जो चीज लुभा जाती है वो क्या लगती है? मुझे यहाँ के, एक तो बड़ा अदब वाला शहर है, और खाने पीने के बड़े शौकीन है, क्योंकि मैं खुद अमृतसर से हूँ, पंजाब से हूँ, तो हम लोगों को भी खाने पीने का बड़ा शौक रहता है। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि पूरा सिक्स पैक बनाना, ये भाड़ में क्या सिक्स पैक यार, हम लोग खाओ पियो ठीक है, मोटा हो गया मुंह तो कर लेंगे, क्या जाता है। तो खाना पीना मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, और अब तो लखनऊ इतना डेवलप हो गया है, मतलब कई साल पहले जब आते थे तब मुझे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आज लखनऊ जो है ऑब्वियसली कैपिटल है यूपी का, और बहुत ही खूबसूरत शहर है आपका, और बड़े ही खूबसूरत लोग यहाँ पे रहते हैं। सो आप लोगों ने भी शहर को खूबसूरत बनाया, तो मुझे लखनऊ हमेशा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि दीपिका पादुकोण, ये नाम जब आता है तो ओहो, फिर तो शर्मा के दिखाएंगे, लाइव वो उनको हम दिखा देंगे। मैं पर्सनली भी दिखा चुका हूँ शर्मा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल क्योंकि उनके हाँ होने की चांसेस थोड़े कम है। नहीं नहीं लगे, देखिए मेरा एक मानना है, ढीठ होके लगे रहो ऊपर वाला सुनता है, तो आप लगे रहो। हाँ तो जितनी सिंगल एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, जी, अगर उन पे आप बताना चाहें कि आपको एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्ट्रेस, एज ब्यूटी कौन पसंद आई है? मुझे सारी पसंद है, भेदभाव नहीं किया, बिल्कुल भेदभाव नहीं। मैं तो, आप बोल रही है सिंगल, मैं तो मैरिड विद्या बालन भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। खूबसूरती की तारीफ करना तो कोई भी शादीशुदा या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, तो और सुनाइए। तो फिलहाल आप कल क्या कर रहे हैं? कल, कल हम लोग इधर ही हैं, दोपहर की बात में फ्लाइट है, शो के बाद भी फ्री हैं हम लोग। शो नहीं, एक्चुअली बेसिकली यही था कि शहर में आए और हम लोग आप लोगों से मिले। और ये क्या हुआ भाई, तुझे कौन सी चीज तकलीफ दे रही है? अच्छा हमारे आप लोग हैं क्या? हाँ ओके, सो थैंक यू सो मच, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका थैंक यू सो मच इतना गर्म रखने के लिए ऑडियंस को, अच्छा लगता है। अच्छा, जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, डर के देखते हैं, वो कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं करते, मतलब जो बैचलर्स होते हैं, बैचलर कौन कौन है जो जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक? हालांकि तादाद बैचलर्स की कम है, लेकिन शोर देखिए, कभी भी होता ना जैसे ऐसे इवेंट्स में जिनकी बीवियां ना वो ज्यादा खुल के स्माइल नहीं करते, नहीं इतनी खूबसूरत मल्लिका यहाँ पे खड़ी है, कभी स्माइल नहीं करेंगे क्योंकि बीवियां बगल में बैठी रहती है यूं करके बैठती है, प्यार प्यार कोई नहीं, कोहनी सेट करके रखी होती है उन्होंने, ऐसा कोहनी थप करके मारेंगे ना, इतना पथरी समेत बाहर आने को फिरता है आदमी का, आदमी बेचारे शादीशुदा आदमी कभी स्माइल करते, वो यूं करके बैठे रहते हैं, देखते भी नहीं, गलती से भूल ले क्या स्माइल कर रहे हैं, नहीं बहन जी अच्छी लगती है।